वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से इमेजेस बनाई जाती हैं, HTML में लिस्ट बनाई जाती है और टेबल बनाई जाती है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। आई नो बहुत कम लोग YouTube पे वीडियोस को लाइक करते हैं, बट इफ यू डू, थैंक्स दिल से। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मुझे इस तरह के फ्री कोर्सेज लाने की मोटिवेशन मिल पाती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के पांचवें वीडियो को स्टार्ट करते हुए। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि github.com/codewithhari को बुकमार्क कर लेना, इनफैक्ट इस रिपोजिटरी को बुकमार्क कर लेना ताकि आपको सारा कोड मिले। दूसरी चीज़, आप प्लेलिस्ट को यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके स्टार पे और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना, ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो बताऊंगा वो बताऊंगा इमेज के बारे में कि HTML के अंदर इमेज क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से एक फोल्डर बनाएंगे वीडियो 5 के नाम से, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर वीडियो 5 ये तो आपको आता ही होगा। शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, इस बार बहुत तेज कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ये वेलकम पेज बार बार देखने को ना मिले, तो यहाँ पर शो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप को अनचेक कर देना और आपको ये बार बार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमें क्या ही कर रहे हैं, हम तो index.html बनाएंगे, थोड़ा कंट्रोल माउस व्हील करके जूम इन करेंगे, स्क्रीन का स्पोर्ट को टॉगल कर लेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कौन सा बटन कब कब दबा रहा हूँ और क्यों दबा रहा हूँ। अब मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एमिट एब्रीविएशन को ले आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर व्यू वर्ड रैप कर दूंगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपका वर्ड रैप जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इमेजेस, सबसे पहले मैं इमेजेस लिखूंगा यहाँ पर, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि एक इमेज लेकर आऊँगा। अब इमेज आप इंटरनेट से ला सकते हो, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेट अस से हम इमेज लेकर आना चाहते हैं ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की इमेजेस, क्योंकि ये कोर्स में काफ़ी ट्रेन चलाई है हमने, तो ट्रेन की इमेजेस लेकर आएंगे ना, हम क्यों लेकर आएंगे कोई दूसरी इमेज। सेव इमेजेस करूँगा और यहाँ पर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 5 वाले फोल्डर में, ये एक CMS फाइल है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ कैंसिल, मैं इसका स्निप ले लेता हूँ क्योंकि एक CMS एक्सटेंशन है, मैं जाता हूँ PNG में, मैं लूँ इसको। तो मैंने यहाँ पर विंडोज़ शिफ्ट और एस दबाया, स्निपिंग टूल का शॉर्टकट है अगर आप लोग को नहीं पता, तो अब आप लोग को इस सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से पता चल चुका है कि आप लोग अगर विंडोज शिफ्ट और एस दबाएंगे तो आपका स्निपिंग टूल खुल जाता है विंडोज में। किस किस को ये बात नहीं पता थी, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओ, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, विंडोज शिफ्ट एस तो मैंने कर दिया था और फिर मैं बातों में लग गया, तो यहाँ पर आप क्लिक करें और इसको यहाँ पर सेव करें। यहाँ पर सेव का ये जो फ्लॉपी डिस्क का ऑप्शन होता है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करें और डाउनलोड्स में जाकर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में जाकर इसको वीडियो 5 में सेव कर लेंगे इमेज, ठीक है, इमेज के नाम से सेव कर लिया। अब HTML में एक IMG टैग होता है, आप IMG जैसे ही डालोगे SRC और Alt दोनों इसके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। इनफैक्ट Alt आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट रिकमेंडेड है, बताऊंगा इन दोनों एट्रीब्यूट से क्या होता है। सबसे पहले SRC के अंदर अगर आप लोग लिख दोगे image.png, आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पर है, तो image.png, और Alt में मैं डाल देता हूँ ट्रेन इमेज, ठीक है। अब मैं इसको अगर आप लोग को दिखाऊँ ब्राउजर में प्रीव्यू करके, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये हमारा पेज है और ये ट्रेन की इमेज यहाँ पर दिख गई। क्या हुआ ये करने से, Alt जो हमने लिखा था वो कहाँ गया, आप लोग कह सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया, जो Alt के अंदर हमने डाला। तो देखो जो Alt के अंदर हमने चीज़ डाली ना, वो अभी हमें नहीं दिखा। मान लो फॉर सम रीजन सर्वर आपको इमेज नहीं दिखा पाता है, ठीक है, तब क्या होगा। मान लो मैंने image2 लिख दिया गलती से, अब image2.png नाम की फाइल तो यहाँ पर है नहीं, तो एरर आएगा क्या, क्या होगा दिखाता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पर Alt जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और ये इस तरह का एक एरर इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि ये बताएगा कि यार आपने जो इमेज लगाया है ये सही से लगा लो यार, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, या आपने जिस सर्वर का URL दिया है वहां पर ये इमेज है ही नहीं, ठीक है। इस तरह की चीजें ऐसे दिखाई जाती हैं और वहां पर Alt दिखता है, तो यूजर को पता चल जाता है कि इस इमेज का क्या पर्पस है, ठीक है। और अब मैं अगर वापस से यहाँ पर आऊँ तो इमेज में Alt इस तरह से आप लोग लगा सकते हो। Alt में नहीं भी लगाऊंगा तो कुछ होगा क्या, अरे Alt नहीं लगाऊंगा तो बस ये है कि वो जो Alt टेक्स्ट आ रहा था वो नहीं आएगा और कुछ नहीं होगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि जब आपका सर्वर में एरर आए तो यूजर ये इमेज देखे, आप चाहेंगे कि कुछ इस तरह से जो है सिनेरियो बने, यूजर आपका कुछ इस तरह से ये देखे, ट्रेन इमेज ये लिखा हुआ है इस तरह से देखें, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इमेज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके दो और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो विड्थ होता है जो कि पिक्सल्स में विड्थ होता है। अगर मैं 23 कर दूँ विड्थ इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं, इनफैक्ट मैं इमेज को ठीक करूंगा, पहले image2 लिख दिया मैंने गलती से, image.png है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 23 पिक्सल्स ले लिए जो कि बहुत छोटा होता है, तो मैं 230 पिक्सल्स कर दूंगा इसको। इसमें px लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, css में जब हम width लिखते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पर कि हमें px लिखने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ सिर्फ हम width इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर नंबर लिख देते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लेकर आऊँ तो आप देखो कि ये छोटा हमें इमेज दिख गया विड्थ। अगर मैं इसकी हाइट भी दे दूँ, मान लो मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ,
मैं कहता हूँ अगर हाइट भी इसकी 230 ही रखो तो इसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाएगा, तो ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या किया, इसकी विड्थ को भी 230 कर दिया, हाइट को भी 230 कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब अगर आप चाहते हो हाइट इसकी 230 हो जाए और विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो आप सिर्फ हाइट एट्रीब्यूट यूज़ कर लो, आप यहाँ पर विड्थ वाला हटा दो, तो हाइट इसकी 230 पिक्सल्स हो जाएगी और विड्थ में जितना जा पाएगा उतना चला जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आप देखो विड्थ में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया और हाइट में इसने जो है ये ले लिया। अब क्या होता है कि CSS के थ्रू भी विड्थ और हाइट एडजस्ट की जा सकती है, और हम CSS वाले सेक्शन में ये देखेंगे कि ये वाली विड्थ और हाइट हमें हमेशा क्यों सेट करनी चाहिए। हमें हमेशा विड्थ या हाइट में से एक चीज़ को सेट करनी ही चाहिए, सच दैट हमारा जब पेज लोड हो रहा है तब हमारा जो पेज के अंदर का इमेज है वो एकदम से ना आ जाए पेज में। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आने वाले वीडियोज़ में, बट अभी आप इसे समझ लो कि ये जो विड्थ और हाइट वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि ये डेप्रिकेट हो गए, इन्हें अब यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं कहता हूँ उनको यूज़ करना चाहिए SEO पर्पस के लिए। क्यों करना चाहिए ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जहाँ मैं आपको कोर वेब वाइटल्स और SEO के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि विड्थ इमेज को विड्थ देता है, हाइट इमेज को हाइट देता है, दोनों में से कोई एक लगा दिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, एंड दीज वैल्यूज आर इन पिक्सल्स एंड यू डोंट हैव टू राइट PX या फिर पिक्सल, आपको सिर्फ ये नंबर लिख देना है एंड दैट्स इट। ये एक एट्रीब्यूट है हाइट, और एक SRC एट्रीब्यूट है, एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है, इसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट आप ऑलमोस्ट सारे टैग्स के साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये था इमेज के बारे में। अब जल्दी से हम लोग बात करेंगे HTML में टेबल्स के बारे में। HTML के अंदर टेबल टैग बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। टेबल टैग से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टेबल टैग से एक टेबल आप लोग को देखने को मिलती है। अब मैं ये टेबल यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इस टेबल को मैं जब यहाँ से कॉपी करूँगा तब आप लोग देखना मेरा जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो HTML की टेबल होती है, कहाँ गया मेरा प्रीव्यू वाला पेज, ये रहा, यहाँ पर देखो नेम हैरी एज 100, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें डालूँ, मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से डालूँ, मान लो मैं डालूँ नेम, और यहाँ पर मैं डालूँ लेट अस से डेजिग्नेशन, हैरी की डेजिग्नेशन मान लो मैं डाल दूँ प्रोग्रामर, और लेट अस से मैं और भी चीज़ें डालना चाहता हूँ, मैं ऑल्ट शिफ्ट बॉटम एरो की यूज़ करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट बॉटम एरो की यूज़ करूँगा, और यहाँ पर लेट अस से मैं लिखना चाहता हूँ कि फेवरेट लैंग्वेज, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मान लो JavaScript, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखो कि ये टेबल इस तरह से बन जाएगी, नेम डेस्टिनेशन फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि एक टेबल टैग हमने यूज़ किया, टेबल टैग के अंदर TR टैग होता है जो कि टेबल रो होती है। इस रो के अंदर क्या क्या आएगा ये आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोग इसको टेबल हेडिंग के तौर पर यूज़ करना चाहते हो, आप कहते हो कि यार ये मेरी एक टेबल रो है, यानी कि ये रो है, ये रो जिसमें नेम डेस्टिनेशन और आपकी फेवरेट लैंग्वेज लिखी हुई है, इस रो के अंदर क्या क्या आएगा और वो क्या क्या जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो एक हेडिंग होगी, तो इसलिए मैं TH यूज़ करूँगा। TH मतलब टेबल हेडिंग, और वो सिर्फ एक बार हम लिखेंगे। तो पहला वाला जो TR होगा उसके अंदर हम TH लिखेंगे, एक बार हमने हेडिंग डाल दी ऊपर, फिर इसके बाद हम डेटा डालेंगे, तो हम टेबल रो के अंदर TD डालेंगे जो कि टेबल डेटा से स्टैंड करता है। और यहाँ पर आप जितने TR के अंदर ये इस तरह के रोज डालेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके रोज ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ सैम, और ये भी प्रोग्रामर है, और मान लो ये जावा इसकी फेवरेट लैंग्वेज है, तो ये रोज़ ऐड होती जाएंगी टेबल के नीचे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रोज़ ऐड होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। CSS से हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको बॉर्डर दिया जा सकता है, इसको स्टाइल किया जा सकता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिखाई देती है। और हाँ, मुझे पता है ये अगली है, बट आप लोग अभी बस ये समझ लो कि टेबल जो है कुछ इस तरह से काम करती है। अब रोज स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि रोज स्पैन का मतलब ये होता है कि कितनी रोज को स्पैन करेगी आपकी TD। फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सैम और प्रोग्रामर पहले तो एक एक सेल ले रहे थे, एक सेल ले रहा था सैम, एक सेल ले रहा था प्रोग्रामर, मैं चाहता हूँ कि मैं सैम को दो सेल में लिख दूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं प्रोग्रामर नहीं लिखना चाहता, बस सैम लिखना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 मतलब कि सैम अब दो कॉलम की जगह लेगा। क्या मतलब वो इसका, सैम अब दो कॉलम की जगह लेगा, यानी कि सैम कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, तो इसने ये पूरे कॉलम की जगह ले ली, ठीक है। तो जो कॉल स्पैन होता है उसका मतलब कि कितने कॉलम घेरे जाएंगे, बाय डिफॉल्ट तो एक ही कॉलम घेरेगा एक सेल, लेकिन कभी कभी एक सेल दो कॉलम घेरेगा। इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को एक्सेल से समझाता हूँ। एक्सेल में आप समझ लो कि एक टेबल है हमारी HTML की, कभी कभी मैं चाहूँगा कि ये दो कॉलम को स्पैन करे एक डेटा, तो यहाँ पर हम लोग मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर मान लो मैं सैम लिखता हूँ। HTML में ये चीज़ की जाती है कॉल स्पैन का इस्तेमाल करके। कभी कभी हम ये भी चाहते हैं कि हम वर्टिकली मर्ज करें, यानी कि मान लो मैं इन दो सेल्स को मर्ज करना चाहता हूँ, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं रो स्पैन का। और रो स्पैन हम इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, रो स्पैन हम लोग इस्तेमाल करेंगे
TD के साथ ऑब्वियसली, ठीक है। तो TD के साथ हम लोग कॉल स्पैन भी इस्तेमाल कर रहे थे, रो स्पैन भी इस्तेमाल कर रहे थे। रो स्पैन इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह से स्पैन करेगा दो रोज को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई, और जब हम टेबल्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे HTML के, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से रो स्पैन दिखा देता हूँ क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और इसके बाद मैं एक और TR यहाँ पर लिख दूँ, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये मेरी टेबल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक CSS स्टाइल यहाँ पर डालूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्टाइल शीट ऐड करूँगा और स्टाइल शीट का नाम मैं रखने वाला हूँ style.css। तो style.css में, और आप लोग को अभी CSS समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दूँ, मैं TD के अंदर लिखूँगा border 2 pixel solid black। और आप लोग को मैं ये सब बताऊँगा किस तरह से काम करता है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि मैंने ये डाला हुआ है आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा कि ये जो रो है इसमें हैरी प्रोग्रामर और जावास्क्रिप्ट होगा। फिर मैंने कहा कि ये जो सैम है इसका रो स्पैन कितना होगा। मैंने कहाँ पर रो स्पैन दो दिया था, एक तो मैंने कहा कि जो मेरा जावा है उसका रो स्पैन 2 होगा, तो जावा कितने रोज लेगा, ऑब्वियसली 2 लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जावा 2 रोज लेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावा ने 2 रोज ले लिए। तो जब जावा ने 2 रोज ले लिए तो इसका मतलब मुझे अगले वाले में जावा नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका रो घिर चुका है, तो अगले वाले में मैं जावा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मैं जावा नहीं लिखूंगा, इसका कॉल स्पैन 2 किया मैंने, इसका रो स्पैन 2 किया। तो ये करने से क्या हुआ, आप देख सकते हो ये हैरी था, प्रोग्रामर था, जावास्क्रिप्ट था। फिर मैंने कहा कि जो सैम है इसका जो कॉल स्पैन है वो 2 कर दो, यानी कि ये 2 कॉलम्स घेरेगा। ये वाला सैम भी 2 कॉलम्स घेरेगा और ये जावा 2 रोज़ घेरेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्जैक्टली वही हुआ, इसने 2 रोज़ घेर ली, इसने 2 कॉलम्स घेर ली। तो इस तरह से रो स्पैन और कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया जा सकता है HTML के अंदर। HTML टेबल के अंदर हम लोग कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, और कैप्शंस को ऐड करने के लिए हम कुछ इस तरह से कैप्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि टेबल के अंदर अगर हम कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स या मैं कह देता हूँ एम्प्लॉई डिटेल्स, तो आपका जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि एम्प्लॉई डिटेल जो कैप्शन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब CSS से इसको भी चेंज किया जा सकता है, इसके फॉन्ट को, इसके फॉन्ट साइज को, लेकिन अभी के लिए बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से दिखता है। जो कैप्शन है वो ऊपर आ जाता है, एम्प्लॉई डिटेल्स इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको। उसी के साथ साथ आप लोग हेडर और फुटर भी दे सकते हो। आप यहाँ पर THEAD और TFOOT दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर THEAD और TFOOT के अंदर कुछ कॉन्टेंट डालूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर डालूँ कि हेडर और यहाँ पर मान लो मैं डाल दूँ फुटर, तो कुछ इस तरह से आप लोग को THEAD और TFOOT देखने को मिल जाएंगे। आप देखो यहाँ पर हेडर आ गया, यहाँ पर फुटर आ गया। मैं यहाँ पर आप लोग को एक और टैग के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है BR टैग, जो कि लाइन ब्रेक ऐड करता है। तो इमेज के बाद एक लाइन ब्रेक आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ नीचे आ गया। तो ये हेडर है और इसके बाद मैं फुटर को ऑब्वियसली नीचे ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा। तो मैं सारा जो मेरी टेबल है उसके बाद ही ऐड करूंगा एट दी एंड। तो ये मेरी टेबल फुटर है। अब इसको मैं CSS से चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने हेडर और फुटर के कंटेंट को THEAD और TFOOT से कुछ इस तरह से ग्रुप कर सकता हूँ। तो मेरे टेबल का हेडर क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है TH, इसको मैं ग्रुप कर सकता हूँ, मैं इसको THEAD के अंदर डाल सकता हूँ। उसी के साथ साथ जो टेबल के अंदर कॉन्टेंट होगा वो TBody के अंदर आ जाएगा। तो TBody के अंदर क्या आएगा, कुछ इस तरह से मेरा टेबल का कॉन्टेंट आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद मैं अगर यहाँ पर TFOOT लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ एट द एंड मान लो मैं कुछ डेटा डालना चाहता हूँ, तो मैं एक और TR डाल दूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये थोड़ा बेटर फॉर्मेट हो जाएगा। मान लो कि मैं इस तरह का TR डालना चाहता हूँ और मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ TFOOT में। तो ये बस ग्रुप करने का तरीका है, यानी कि मैंने TFOOT के अंदर डाल दिए कुछ TRs, मैंने TBody के अंदर जो मेरी मेन बॉडी है वो डाल दी, और मैंने THEAD के अंदर डाल दिए जो मेरा टेबल का हेडर था। और ऑब्वियसली कुछ चेंज नहीं आएगा इससे, सिर्फ ग्रुपिंग करी है मैंने। यहाँ पर देखो कि हमारा जो, मैं काम करता हूँ यहाँ पर फुटर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये फुटर है। मैं यहाँ पर फुट लिख देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो लास्ट वाला हमारा रो है वो फुट है। अब आपको ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमने सिर्फ ग्रुपिंग करी है ताकि हम CSS से आगे टारगेट कर सकें। तो ये आप लोग बहुत कम इस्तेमाल करोगे, बट आप लोग कर सकते हो ग्रुपिंग इस तरह से। जो आपकी पूरी टेबल है, हेड कॉन्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, फुट कॉन्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, और बॉडी कॉन्टेंट इनफैक्ट बीच में आता है हेड और फुट के, बट आप लोग किसी भी तरह से इसको जो है यहाँ पर लिख सकते हो। बट आइडियली हेड, बॉडी और फिर उसके बाद फुट आता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। तो दैट्स ऑल अबाउट HTML टेबल्स, इतने से ज़्यादा आप लोगों को जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HTML के अंदर, क्योंकि लिस्ट को हम बहुत इस्तेमाल करेंगे। तीन तरह की लिस्ट होती है HTML में, एक होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। कभी भी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अनऑर्डर्ड डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पर UL लिख दूँ, तो मैं यहाँ पर UL जैसे ही लिखूँगा इसका मतलब वो अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर मैं LI लिख सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ हैरी, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ रोहन, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ शुभम, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं हैरी रोहन शुभम लिखूँगा तो ये UL जब मैं करूँगा तो इस तरह से आएगी, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो हैरी रोहन शुभम यहाँ पर आ गया, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, 1 2 3 4 नहीं आया इसमें। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये ऑर्डर्ड हो, तब मैं इसी चीज़ को
ओएल की सहायता से लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग ओएल बना दूँ और बाकी चीज़ों को सेम रखूँ तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 आ जाएगा। इस 1 2 3 को आप ABC भी कर सकते हो, आप कैपिटल ABC भी कर सकते हो, आप रोमन नंबर्स भी कर सकते हो, CSS की सहायता से भी कर सकते हो, और भी तरीके करने के। आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज के अंदर कि UL के अंदर LI किया तो ये कुछ इस तरह से आया। इस इमेज में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर OL के अंदर LI किया तो ये 1 2 3 आई, ये ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल हो गया और ये डेफिनेशन लिस्ट का एग्जाम्पल हो गया। डेफिनेशन लिस्ट बहुत कम यूज़ में आती है, कुछ इस तरह से प्रीव्यू होता है इसका। आप यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है, फिर इसके बाद मैंने DL लिखा है, DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, इसके बाद DT और फिर इसके बाद DD। तो यहाँ पर डेफिनेशन टर्म होता है और फिर इसकी डेफिनेशन की डेफिनेशन होती है। तो ये कुछ इस तरह से आता है और आप CSS से इसको चेंज भी कर सकते हो, बहुत कम यूज़ होता है बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए। इंटरव्यूअर पूछ लेता है कभी कभी डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, तो कुछ इस तरह के कोड को इस तरह से प्रीव्यू किया जाता है। मैं भी लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ टाइम, बट ट्राई इट आउट, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसके बुलेट पॉइंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर कर दूँ, मैं यहाँ पर कह दूँ टाइप इज इक्वल टू, और मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने UL के अंदर टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर लिख दिया, तो ये देखो स्क्वायर की तरह अपीयर हो गई है। इसी तरह से मैं यहाँ पर UL के अंदर इसका जो टाइप है उसको सर्कल कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, डिस्क कर सकता हूँ। डिस्क बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि गोला जो दिखता है वो बाय डिफॉल्ट दिखता है, ठीक है। मैं इसको स्क्वायर भी कर सकता हूँ, मैं इसको सर्कल भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोग इसके अंदर के लिस्ट आइटम्स में कितने भी और लिस्ट आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को थोड़ा सा और नज़दीक से। ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर आप लोग li लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा 1 2 3, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं टाइप इज इक्वल टू i। जब आप टाइप इज इक्वल टू i यूज़ करेंगे तो आपको अपर केस रोमन नंबर्स मिलेंगे, टाइप इज इक्वल टू स्मॉल i करेंगे तो लोअर केस रोमन नंबर्स मिलेंगे। टाइप इज इक्वल टू 1 जो है वो डिफॉल्ट होता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्मॉल ए करेंगे तो आपको अल्फाबेटिकल मिलेंगे और कैपिटल ए करेंगे तो आप लोगों को अपर केस अल्फाबेटिकल मिलेंगे। तो ये करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप इज इक्वल टू मैं कैपिटल ए करूँगा। आप देखो VS कोड हमको एग्जांपल्स दे रहा है, सजेशंस दे रहा है, और हमारे लिए आसान हो जाता है कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं ये देखना। तो VS कोड का बहुत फ़ायदा है और बहुत सारे लोग पुराने एडिटर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत पहले यूज़ होते थे। अगर आपको उनके करेक्ट प्लगइन्स पता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा सेट हो चुके हैं तो कर लेंगे। VS कोड मॉडर्न है यार, VS कोड में स्विच करो। VS कोड सब लोग यूज़ करते हैं, आप जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स देख लो आप VS कोड यूज़ करते हुए देखोगे। अगर आप लोग मोबाइल में करना चाहते हो कोडिंग, रेप्लिट में रिकमेंड करता हूँ। रेप्लिट नाम से एक ऐप आती है और replit.com को एक शाउट आउट देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी सही लगता है ये। तो आप replit.com अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कंप्यूटर पावर कंप्यूटर की उतनी ज़्यादा नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। आने वाले वीडियोस में और कवर कर लेंगे इसको, बट अभी VS कोड पे स्टिक करूंगा मैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। अब देखो यार, 5 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए सिग्मा वेब डेवलपमेंट सीरीज में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले वीडियो में जाकर एक अपना कमेंट डाल दें कि आप लोग को ये कोर्स कैसा लग रहा है। 5 स्टार्स में से मुझे स्टार्स दें कि ये कोर्स का इनिशियल रिव्यू क्या है, आपने 5 वीडियो देखे उसके हिसाब से। मुझे पता है कि अपना ऑर्डर 1 मिनट लेट हो जाने पर स्विगी जोमेटो डिलीवरी राइडर की ऐसी तैसी करने वाली है जनता। आजकल यूट्यूब पर कॉमेंट उतना ज़्यादा नहीं करती है, बट फिर भी मैं आपका कॉमेंट चाहता हूँ कि आप लोग करें यार नीचे कॉमेंट अपना, बताएं मुझे कि कैसा चल रहा है कोर्स फर्स्ट वीडियो में जाकर। और कमेंट में सिग्मा बैच ओपी लिखते रहना यार, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे हमारा 2-way इंटरेक्शन रहेगा, आप लोग अगर मुझे कमेंट करते रहेंगे मैं देखता रहूंगा, मुझे काफी दिल से अच्छा लगता है, एक 2-way इंटरेक्शन फील होता है। तो सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक्सेस कर लेना। प्लेलिस्ट ये रही, इसको एक्सेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में सिग्मा बैच ओपी लिख देना और अपने गांव की जमीन मेरे नाम कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।